मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और लास्ट क्लास तक मैंने आपको बेसिक वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, और अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं बच्चों। जो अगला टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का जो नाम है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। एक बढ़िया सी कॉपी निकाली है आप, और उस पर लिखना स्टार्ट कीजिए। ये भी बेसिक का ही पार्ट है। अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में जो बेसिक चैप्टर है उसमें टैक्स रेट वगैरह थी, जो हमने कास्ट क्लास क्लास में कंप्लीट कर ली थी, और उसके आगे की जो कहानी है वो हम यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। लिखेंगे आप रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या हो गया? ये टॉपिक नंबर टू बोल दीजिए इसको आप, चाहे या बेसिक का ही पार्ट बना दीजिए। एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान और सीधा टॉपिक है। टॉपिक कहना क्या चाहता है? टॉपिक आपसे ये कहना चाह रहा है कि किस पर्सन के हाथ में कितना टैक्स लगेगा, ये डिपेंड करता है उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। मतलब सर, मतलब यदि आप इंडिया के रेजिडेंट है तो आपकी जितनी भी इनकम आपने पूरे वर्ल्ड में कमाई है वो सारी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। यदि आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं तो केवल वही इनकम टैक्सेबल होगी जो आपने कहाँ से कमाई है, इंडिया से कमाई है। मतलब सर, मतलब ये जो टॉपिक है ये हमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बातें बताएगा। तो फर्स्ट इंस्टेंस पे याद रखिए आप कि जो रेजिडेंट है, जो भी पर्सन रेजिडेंट है उसकी कौन सी इनकम, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम, ये दोनों इनकम कहां टैक्सेबल होती है? इंडिया में टैक्सेबल होती है। ठीक है, ये दोनों इनकम टैक्स्ड इन इंडिया होगी। पर यदि आप एक नॉन रेजिडेंट है, सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, आप एक नॉन रेजिडेंट है तो ओनली इंडियन इनकम ये कहां टैक्स होगी आपकी, टैक्स इन इंडिया। ठीक है, फिर समझिए कि आप रेजिडेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, ये दोनों इनकम इंडिया में टैक्स होगी। और यदि आप एक नॉन रेजिडेंट हैं तो केवल आपकी इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगी। सोचिए बेटा, एक बाहर का आदमी इंडिया में आता है और पैसा कमाता है, तो जितना उसने इंडिया से पैसा कमाया है केवल उतनी इनकम पर ही उसे टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर टू। अगर हम बात करें रेजिडेंट की, तो अगर आप रेजिडेंट हैं तो चाहे आपने इंडिया से कमाया हो चाहे इंडिया के बाहर से कमाए, उन सभी पर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा या जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम दो बातें देखने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम दो बातें देखने वाले हैं। एक टॉपिक में तो हम उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, और एक टॉपिक में हम देखेंगे बच्चों, एक टॉपिक में हम देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम।
ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या हो गया, ये अंडर सेक्शन 6 में लिखा गया है और स्कोप ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 5 में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो अगर आप भारत के रेजिडेंट हैं तो आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, अगर आप भारत के रेजिडेंट नहीं हैं तो कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो इससे पहले आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि आप भारत के रेजिडेंट है या नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिडेंशियल स्टेटस देखने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। इनकम को टैक्स करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 6 स्टेटस और उसके बाद पढ़ेंगे हम सेक्शन 5। ठीक है सर, अगर पर्सन है तो इंडिया का रेजिडेंट बट वो फॉरेन में इनकम अर्न कर रहा है तो उसका टैक्स लगेगा फॉरेन में या इंडिया में। बेटा उसका टैक्स फॉरेन पे भी लगता है और इंडिया में भी लगता है, उसको डीटीआर हम बोलते हैं। जब आप फाइनल में आओगे तो वहां डीटीआर के प्रोविजन आपको पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल मैं बता दूं आपको यहां सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही। मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात कर रहा हूं। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कैसे बनते हैं उसके बाद हम आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में, पर फिलहाल आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से अगर उसकी इनकम इंडिया में है तो इंडिया में टैक्स देगा, उसकी इनकम इंडिया के बाहर है तो बाहर भी टैक्स देगा और इंडिया में भी टैक्स देगा। तो सर इसका तो मतलब डबल डबल टैक्स लगेगा। डबल टैक्स नहीं लगेगा बेटा, उस टैक्स पर उसको रिलीफ मिल जाएगी। कितनी रिलीफ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो डीटीआर डबल टैक्सेशन रिलीफ में आप पढ़ोगे फाइनल में। पर फिलहाल तो आपका स्टेटस क्या है उसके हिसाब से आप पे टैक्स लिया जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं भारत का सिटीजन हूं तो हमेशा मैं रेजिडेंट हूं। नहीं बेटा, मैं भारत का सिटीजन हूं तो भी मैं भारत के नॉन रेजिडेंट बन सकता हूं, या एक ऐसा पर्सन जो भारत का सिटीजन नहीं है वो भी भारत के लिए क्या बन सकता है, रेजिडेंट बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका आप कितने दिन इंडिया में रह रहे हैं। तो अब हम चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम दो पार्ट में बातें करेंगे। एक पार्ट में मैं आपको सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस बताऊंगा और एक पार्ट में हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम करेंगे। तो इसके दो पार्ट है बच्चों, ये पहला पार्ट वन है हमारा और ये पार्ट टू है, पार्ट सेकंड। ठीक है, तो आइए बच्चों पार्ट वन की बात करें हम। पार्ट वन क्या बोलता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। अंडर सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस जो है बेटा उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो कैटेगरी सर, दो कैटेगरी का मतलब हो गया एक तरफ रखा गया है इंडिविजुअल को और HUF को, और एक तरफ रखा गया इसके अलावा जो बच गए जैसे फॉर्म AOPBOI है ना, AJP कल हमने बने आपको बताया था इसके बारे में, या कंपनीज हो गई या कोई ट्रस्ट हो गया एसेट्रा। ठीक है, लोकल अथॉरिटी भी आ जाएगी इसके अंदर। अब जो इंडिविजुअल है बेटा या HUF है उसको तीन टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, इसको तीन टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। तीन टुकड़े कौन कौन से हैं देखो बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले या तो ये ROR बनेंगे या ये RNOR बनेंगे या ये
एनआर बनेंगे, ठीक है। और एक टुकड़ा और ऐड किया गया है डीम्ड रेजिडेंट का, डीम्ड रेजिडेंट। मैं बता दूं आपको, जो डीम रेजिडेंट होता है वो भी आर एन ओ आर ही होता है। सर आर ओ आर, आर एन ओ आर, ये क्या है सर, इसका फुल फॉर्म तो बताओ। आर ओ आर का मतलब होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आर ओ आर का मतलब होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, आर एन ओ आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और एनआर का मतलब क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। लिखते रहो बेटा साथ साथ, आयुषी कंप्लीट लिखते रहो बेटा, ठीक है। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म है और ये इनके फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में आर एन ओ आर, आर एन ओ आर वगैरह है, और फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर ये डिफरेंस क्या है, इसमें बात करेंगे बेटा डिफरेंस की। हम पहले क्या कर रहे हैं, स्टेटस निकालना सीख रहे हैं कि कौन से पर्सन का क्या स्टेटस होता है। तो अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं तो आपको इन तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा, या तो आप रेजिडेंट बनेंगे, या आप नॉन रेजिडेंट बनेंगे, या आप आरओआर या आरएनओआर बनेंगे, ठीक है। बट यदि आप, अगर आप क्या हैं बच्चों, अगर आप हैं कोई फॉर्म एओपी बीओआई, तो फॉर्म एओपी बीओआई में हमेशा दो ही स्टेटस है, या तो ये लोग रेजिडेंट बनते हैं या ये लोग नॉन रेजिडेंट बनते हैं, ठीक है। या तो ये लोग क्या बनेंगे, रेजिडेंट बनेंगे, या ये लोग क्या बनेंगे, नॉन रेजिडेंट। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ऐसे लोग हैं जिसमें तीन कैटेगरी बनी हुई है, आर ओ आर की, आर एन ओ आर की और एन आर की। बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए एक ही कैटेगरी है बेटा, या तो आर है या एन आर है। यहां पर आर एन ओ आर का कोई कंसेप्ट नहीं है। सर ये क्यों पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का जो चैप्टर आप हमें पढ़ा रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है, तो एक छोटा सा नोट लेके लिखेंगे आप, ये हम क्यों पढ़ते हैं बच्चों, कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, किसी भी पर्सन पे जो टैक्स लगना है, कितना टैक्स लगना है, ये डिपेंड करता है कि उसका स्टेटस क्या है। अगर उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का है तो केवल इंडिया की इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, अपनी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर उसका स्टेटस रेजिडेंट का है तो सारी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स का इंपोज होना, टैक्स का इंसिडेंस होना, ये डिपेंड करता है कि आप क्या है। लिखिए बेटा, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी एसएससी depend upon his residential status कितना किस पे टैक्स लगना है ये डिपेंड करता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है।
कितने बजे क्लास आप लोगों की? ठीक है, 11 बजे। ओके ओके, बढ़ते हैं आगे। आयुषी, लिखा बेटा आपने ये? चलो, अब हम सबसे पहले जो हमने बताई दिया मैंने आपको, अब वन बाय वन सीखेंगे कि कैसे स्टेटस निकलता है। तो मैं आपको सबसे पहले अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 पढ़ा रहा हूं बेटा। ये किसका है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है बेटा, इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। ये लोग या तो रेजिडेंट बनेंगे या ये नॉन रेजिडेंट बनेंगे। अगर ये लोग रेजिडेंट बने हैं या ये नॉन रेजिडेंट बनेंगे, अगर ये लोग रेजिडेंट बने हैं तो इनमें से एक रेजिडेंट बनेंगे। कौन सा? या तो ये आरओआर बनेंगे या ये आरएनओआर। एक बार मैं फिर इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं। आरओआर का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और आरएनओआर का एक बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट तो है ही। तो सब कब कौन क्या बनता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यह है स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 उसमें या तो आप रेजिडेंट बनेंगे या आप नॉन रेजिडेंट बनेंगे बेटा। ठीक है, फिर आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इसका मतलब क्या हो गया? अगर स्टेप नंबर 1 फॉलो हो गया तो फिर स्टेप नंबर 2 में आप जाओगे। सर समझ में नहीं आया, सर एक बार फिर बताओ। देखो, सबसे पहले क्या फॉलो होगा आपका? स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1 में दो ऑप्शन आएंगे बेटा, या तो आप रेजिडेंट बनोगे या आप नॉन रेजिडेंट बनोगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए तो एंड हो जाएगा स्टेप आपका यहां पर। ठीक है, अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आपका स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। अगर आप ये बनते हैं या ये बनते, दोनों में से एक बनोगे बेटा। अगर आप नॉन रेजिडेंट की तरफ चले गए तो स्टेप एंड हो जाएगा, आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। या आप रेजिडेंट बन गए हैं तो स्टेप, अब जो स्टेप नंबर है वो 2 स्टार्ट होगा, और वहां आपको पूछना पड़ेगा कि आप कौन से रेजिडेंट हैं, या तो आप आरओआर बनेंगे या आरएनओआर बनेंगे। और फिर यहां पर आपके आपका स्टेप खत्म होगा। मतलब सर सीधी सी बात यह है कि पहले आपको फर्स्ट स्टेप पूरा करना है जिसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होगा, उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप है जिसमें आप क्या चेक करोगे,
सेकंड स्टेप में आप क्या चेक करोगे, आर एन ओ आर और आर एन ओ आर। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम स्टेप नंबर वन की बात करें हम कि कैसे बनते हैं आप रेजिडेंट। तो स्टेप नंबर वन बोल दूं मैं तो थोड़ा सा डार्क में लिखता हूं मैं, स्टेप नंबर वन क्या है बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, स्टे इन इंडिया। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, कि आप कितने दिन इंडिया में स्टे करते हैं, इसके बेस पर आपका स्टेप नंबर वन पूरा होगा। मतलब सर, मतलब आपने इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मुझे याद अच्छी तरह इकोनॉमिक्स में आता है ये। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट कंडीशन कहती है ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर PY मतलब प्रीवियस ईयर, चलो पूरा लिख देता हूं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। मतलब सर, जैसा आपको पता है बच्चों, आपका जो सिलेबस है, आप या तो जून में एग्जाम देंगे या दिसंबर में एग्जाम देंगे, जून 22 या दिसंबर 22, उसके लिए आपको पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 21। तो 1421 से स्टार्ट होने वाला ईयर है और एंड कब होगा, 31 मार्च 22 को। इस ईयर को मैं क्या बोलता हूं बेटा, इस ईयर को बोला गया है प्रीवियस ईयर, यही वो ईयर है जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, PY। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रीवियस ईयर में, जो आपको ये नजर आ रहा है प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर स्टे कर जाऊं, इस प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा स्टे इन इंडिया हो जाए, स्टे इन इंडिया, तो मैं स्टेप नंबर वन फॉलो कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं स्टेप नंबर वन फॉलो नहीं कर पाऊंगा। मतलब सर, मतलब यदि आप भारत में 182 दिन या उसे ऊपर रह गए हैं तो आप भारत के लिए क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कुल मिला के इतनी सी बात है कि अगर आप भारत में 182 दिन से ऊपर रह गए हैं, नहीं नहीं बेटा सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आप जब इंडिया में हैं, जैसे मान लो आप इंडिया से बाहर गए ही नहीं, अब जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो कैसे पता चलता है कि आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, आपके पास पासपोर्ट होता है बेटा, पासपोर्ट पर आने और जाने वाले दिन लिखा जाता है, बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं क्या आप? जैसे मान लो कोई पर्सन है जो पाकिस्तान का है, इंडिया में बिना पासपोर्ट आ जाएगा, या आप बिना पासपोर्ट के दुबई चले जाओगे क्या? नहीं जा सकते। तो इंडिया से बाहर जब जाओगे आप, तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा कि आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वहीं से काउंट किया जाएगा कि आप कितने दिन इंडिया में स्टे कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो
अगर इंडिया में आप 182 दिन से ऊपर रह गए हैं तो आपने कंडीशन वन पूरी कर दी है स्टेप नंबर वन की। स्टेप नंबर वन की कंडीशन वन का मतलब क्या हो गया कि आप 182 दिन से ऊपर इंडिया में स्टे कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन और दिया है कंडीशन वन पूरी करने का। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, इसको कंडीशन टू बोला गया है या सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द फोर, अब पिछले चार साल के अंदर, चलो पहले लिखवाता हूं, लिखो ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द फोर ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग the previous year immediately preceding the previous year for a total period ...365 days or more प्लस का मतलब क्या हो गया एंड क्या करना पड़ेगा आपको, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज, अरे 60 डेज करो बेटा इसको, और मोर, ठीक है सर क्या बोल गया, अरे बताते हैं भाई यहां पर ये क्या बोल गया, यहां पर ये कहता है कि साहब आपका जो प्रीवियस ईयर है वो बताओ कौन सा है। अब आप कहेंगे सर हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 को एंड होगा, ये वो 12 महीने बेटा जिसको हम क्या बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर के पीछे के चार साल, मतलब सर पीछे का ये पहला 20, ये दूसरा 90, ये तीसरा 18 और ये 17, तो कौन कौन से ईयर आगे, ये आ गया पहला ईयर जिसको हम बोल रहे हैं 17-18, ये दूसरा ईयर है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है बच्चों, गवर्नमेंट ये कह रही है कि सर अगर मैं इनकी बात करूं तो पिछले प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम, मतलब प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम 60 दिन या उससे ऊपर स्टे करना है, 60 डेज और मोर स्टे करना है बेटा, और पीछे के जो आपके चार प्रीवियस ईयर है इसमें 365 डेज और मोर स्टे करना है।
ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी करेंगे आप, तो ये माना जाएगा कि आपने पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी और आप क्या बन गए हैं, रेजिडेंट बन गए हैं। सर समझ में नहीं आया, देखो मैं बताता हूं। सोचो बेटा, एक पर्सन है जो यूएसए मतलब अमेरिका से इंडिया में आ रहा है और वो इंडिया में 1 अगस्त 2021 में आया है, और वो इंडिया से वापस कब गया है बेटा, वापस गया है 22 फरवरी 2022 को। इस पर्सन का नाम है मिस्टर ए, ये एग्जांपल नहीं लिखना आपको, ठीक है ना, दूसरे एग्जांपल लिखवाऊंगा आपको। तो बताओ मिस्टर ए का स्टेटस क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले तो इसका ईयर बनाओ। ये बनाया हमने ईयर, जो 1/4/21 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 22 पर एंड हो जाएगा। ये बताओ इंडिया में पहली बार आया कभी, ये इंडिया में आया पहली बार 1 अगस्त 2021 को, और इंडिया से गया कब है, ये इंडिया से गया है बच्चों 22 फरवरी 2022 को। इसका मतलब इतने दिन ये इंडिया में स्टे कर गया, ये इसका स्टे इन इंडिया है, स्टे इन इंडिया। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ दिन ही तो काउंट करने हैं। आयुष बताता हूं बेटा, चारों के मिलाकर इन चारों सालों में मिलाकर आपको 365 दिन रहना है। अब चाहे पहले साल में 10 दिन रहो, दूसरे साल में 100 दिन रहो, तीसरे साल में 200 दिन रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चारों सालों का टोटल मिलाकर आपको 365 दिन रहना है ना। पहले साल में आप 200 दिन रह गए, दूसरे साल में आप रहे नहीं, तीसरे साल में आप 100 दिन रहे, तो ऐसे मिलाकर करना है बेटा पूरा। पर पहले ये देखो क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में ये जो पीरियड आपको नजर आ रहा है ये है इंडिया में स्टे किया। इस पीरियड में भाई ने इंडिया में स्टे किया है, तो बताओ कितने दिन स्टे किया। तो अगर हम बात करें अगस्त की, अगस्त में आया था ना, तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितने दिन होते हैं बेटा आपके, 30 दिन। अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन आपके, 31। नवंबर कितने दिन है, 30। दिसंबर कितने दिन है, 31। जनवरी 31। और फेब में कितने दिन रहा था वो, 22 दिन। 22 दिन को, 22 तारीख को गया है ना वो। अच्छा सर, मतलब आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों काउंट करते हैं। बिल्कुल बेटा दोनों काउंट करते हैं। तो कितने दिन रहा भाई वो, टोटल लगाओ, 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 22। तो ये 206 दिन इंडिया में रह गया, ठीक है, 206 दिन इंडिया में रह गया बेटा ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है, तो ये रेजिडेंट तो बन गया। अभी रेजिडेंट कौन से वाला है, आरओआर वाला है या आरओआर आरएनओआर वाला है, इसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक कंडीशन बता रहा हूं, तो इस तरह से आपको काउंट करने हैं। तो मैंने अभी क्वेश्चन बताया वो लिख के, इस तरह से काउंट करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक और देता हूं आपको क्लैरिटी लाने के लिए। जैसे मान लो एक मिस्टर एक्स हैं, लिखना नहीं एग्जांपल, वो हर साल इंडिया में आते हैं 100 डेज के लिए, और ये पिछले 10 ईयर से ऐसा कर रहे हैं, हर साल 100 डेज के लिए इंडिया में आ रहे हैं वो। तो आपको मिस्टर एक्स का स्टेटस बताना है, तो हर साल का मतलब इस प्रीवियस ईयर में 21-22 में कितने दिन के लिए आया, वो 100 डेज के लिए आया। तो उसका मतलब अगर हम पहली कंडीशन देखें तो कम से कम कितने दिन रहना आपको इंडिया में, 182 दिन रहना है, पर ये कितने दिन रह रहा है, ये तो 100 ही दिन रह रहा है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही, पर दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि आपको कम से कम कितने दिन रहना है, 60 दिन। तो इसका मतलब 100 दिन रह गए आप, तो 60 दिन तो रह लिया आप। और पीछे के 4 साल में कितने दिन बच्चों, टोटल मिला के 365 दिन। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, सर 100 के हिसाब से तो 400 दिन रह गया, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 365 डेज चाहिए। तो इसका मतलब इसने पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी और ये क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया, ठीक है। अच्छा सर, मतलब दोनों में से कोई एक पूरी करनी है, या तो 182 डेज वाला देख लो आप, या 60 + 365 डेज वाला देख लो। तो दोनों में से कोई भी एक पूरा करना है, अगर आपने दोनों में से कोई भी एक पूरा कर दिया है तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। बताइए भाई क्या आपको ये
समझ में आया बेटा ये जो कहानी लिखी है मैंने? बढ़े आगे अब, चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर है तू? देखो अब एक नोट लिखेंगे आप, नोट नंबर वन। नोट क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज काउंट करते समय बोथ डेट कौन सी बच्चों? द डेट ऑफ डिपार्चर का मतलब क्या होता है बेटा? जाना, इंडिया से आप जा रहे हैं तो जो आपकी डिपार्चर की डेट है, एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल, आने वाला दिन। आर कंसिडर टू बी इन इंडिया, आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों कहां कंसीडर करोगे बच्चों? आप इंडिया में ही कंसीडर करोगे। ये है पहला नोट। अब बात करते हैं नोट नंबर टू की। इट इज नॉट नेसेसरी दैट It is not necessary that the period of stay must be continue और एक्टिव। सर लास्ट वाले का मतलब क्या था? यह कोई जरूरी नहीं है कि आपका पीरियड ऑफ स्टे कंटिन्यू हो या एक्टिव हो। एक्टिव का मतलब क्या हो गया? कि आप आ जा सकते हैं बच्चों, आप दो दिन के लिए आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, यह सब चीजें क्या है इसमें काउंट की जाएंगी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कंटिन्यू रुके 182 दिन या 60 दिन, अगर आप आ जा रहे हैं तो भी हम काउंट करेंगे। और हां, जब काउंट किया जाएगा तो आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों काउंट किए जाएंगे। एक एग्जांपल से इस कोई बात को हम समझते हैं। तो बच्चों एग्जांपल लिखो सबसे पहले, एग्जांपल एग्जांपल क्या है? देखो एग्जांपल ये कहता है आपको, मिस्टर पवन है, एक मिस्टर पवन, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कम इंडिया, ऑन 1st अप्रैल 2018 को। मिस्टर पवन एक
जैपनीज सिटीजन है। ये पहली बार इंडिया में कब आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं बेटा 1/4/2018 को। लेफ्ट इंडिया फॉर जापान, वो जापान के लिए इंडिया को छोड़ के चले गए 15 अगस्त 2020 को। कम अगेन इंडिया ऑन 1 जनवरी 2022 एंड लेफ्ट इंडिया फॉर यूएसए 28 मार्च 2022। फाइंड आउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर पवन। आपको मिस्टर पवन का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, आपको मिस्टर पवन का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि क्या होगा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन बनाया है ताकि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर पाए। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक अलग तरीके का पेन यूज करते हैं, केसरिया रंग यूज करते हैं। हमारे पास खूब सारे रंग है बेटा, यहां पर हम सभी रंगों से हमारे नोट्स को बनाएंगे। तो बताइए, सबसे पहले तो एक काम करो, मैं एक लाइन डायग्राम बनाता हूं। इस लाइन डायग्राम के थ्रू हम सारी बातें सीखेंगे। तो लो भाई साहब, ये है मेरा प्रीवियस ईयर जो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 को एंड हो जाएगा। बेटा आयुष दिखाई दे रहा है ना कलर आपको, ये कलर दिख रहा है ना आपको? जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ पहली बार इंडिया में कब आया? ये 1/4/18 को इंडिया में आया। फिर इंडिया को छोड़ के कब चला गया भाई? इंडिया को छोड़ के चला गया है 15/8/2020 को। इसका मतलब ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है ये इंडिया का पीरियड है बेटा। ब्लू मतलब इंडिया, ये मैं इंडिया में हूं, ठीक है। और उसके बाद वापिस इंडिया में कब आया? ये वापिस इंडिया में आया है प्रीवियस ईयर के अंदर और ये आया है बेटा 1 जनवरी 2022 को। और चला कब गया है? चला गया है ये 28 मार्च 2022 को। तो फिर से ये जो ब्लू है ये इतना सा ब्लू, ये भी कहां पर है? इंडिया में है। ओके सर, ये भी कहां आएगा आपका? इंडिया में। मैं INDIA लिख देता हूं, इंडिया। थोड़ा छोटा हो गया है, दिखाई दे रहा होगा भाई साहब आयुषी। और बाकी जो ये बच गया है कलर यहां से लेकर यहां तक, ये कहां पर है? आउटसाइड इंडिया है बेटा, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आइए सबसे पहले कंडीशन वन को चेक करते हैं। कंडीशन वन क्या बोलती है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन रह जाओ आप? 182 डेज और मोर, 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपको इसमें 182 डेज और मोर स्टे करना है। पर आप तो स्टे कितने दिन करके बैठे हैं कि सर जनवरी में कितना है? 31 दिन, फेब में कितना? 28 दिन, और मार्च में कितना है बच्चों आपके पास? ओनली 28 दिन। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना हो गया आपका? 31 + 28 + 28, तो ये हो गया आपका 87 डेज।
तो इसका मतलब कि आपकी कंडीशन वन क्या बोलती थी, 182 डेज और मोर, ये नॉट सेटिस्फाइड है। बताओ बात समझ में आई क्या है बेटा आयुषी? यस सर। तो अब बात करेंगे हम सेकंड कंडीशन की, पहले तो हो नहीं पाई, चेक करो क्या दूसरी हो पा रही है क्या। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि सर 4 सालों के अंदर कितना, 365 दिन, और प्रीवियस ईयर में कितना, 60 डेज। अगर ये दोनों एक साथ पूरी हो जाए तो चेक करो भाई क्या प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस ईयर है बेटा आपका 21-22, क्या इसमें आपने 160 प्लस डेज हो गया क्या आपका, तो यस। और अब सेकंड चेक करो बेटा पिछले 4 साल में, 4 साल कौन से आएंगे अब, 17, 18, 19, 20 और 21, है ना, 1, 2, 3 और 4, इन 4 साल के अंदर। हाँ भाई कितने दिन रुके हो आप, अब आए हो पहली बार कब, 1/4/18 को, तो 1/4/18 से लेकर यहां तक कितने दिन है वो निकाल दो, बस 2 मिनट लगनी है। 18 से लेकर 19 तक जाओगे आप, ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 19 को होगा, और उसके बाद में 20 को एंड होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये मोर देन कितने दिन रह चुका है, 365 डेज हो चुका है बेटा इसका। समझ आया क्या आपको? अगर नहीं आ रहा तो कैलकुलेट कर लो भाई कैसे, 1/4/20 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक कितने हो गए, 365 दिन आप रह गए। फिर 1 अप्रैल 2019 से लेकर, ठीक है, 31 मार्च 2020 कितने आ गए, 366 आ गए, ठीक है। और उसके बाद में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 15 अगस्त 2020 तो कितना हो गया बेटा, ये अप्रैल में तो हो गए 30 दिन, अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त में 15 दिन, तो 137। तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन स्टे कर गए आप, आप स्टे कर चुके हैं, कितना हो गया भाई, 868 डेज। हमें तो कितना चाहिए था, सिर्फ 365 दिन ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि पिछले 4 सालों में मोर देन 365 डेज स्टे हो गया, और यहां पर प्लस 360 डेज स्टे हो गया। अब क्या करेंगे इस केस में, क्या करेंगे बेटा इस केस में, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, और मिस्टर पवन क्या होंगे, इज रेजिडेंट। तो मिस्टर पवन क्या माने जाएंगे बच्चों, रेजिडेंट माने जाएंगे, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या हो चुकी है आपकी, पूरी हो चुकी है। हाँ जी, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, बताओ बेटा आयुषी, क्या आपने क्वेश्चन नोट कर लिया? देखिए 1 by 1 सीखेंगे अपन, अभी हमने आज क्या स्टार्ट किया था, याद कराता हूं, थोड़ा सा याद कराता हूं। नोट्स ऐसे बनाना बेटा जैसे मैं बना रहा हूं, खूबसूरत बनाना, जितना बढ़िया मैं लिख रहा हूं उससे बढ़िया लिखो आप, ऐसे नोट्स बनाओ कि दूसरों को दो तो उसको काम आए। और ये लेटेस्ट है बच्चों, हम तो ये समझते हैं कि ऐसा पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको। तो जितना मैं आराम से, जितना मैं प्यार से नोट्स मैं आपके सामने बना रहा हूं, वैसे ही आप भी इसे बनाया करो, ताकि बाद में पढ़ते हुए मजा आए, क्योंकि जब साफ सुथरा होगा तो मजा आएगा पढ़ने में भी, है ना। अच्छा कमरा है, साफ सुथरा कमरा, तो वहां बैठ के पढ़ने में मजा आता है, टीवी देखने में मजा आता है, पर गंदगी फैली होती है तो खुद को मजा नहीं आता। तो इसलिए मतलब कॉपी एकदम साफ सुथरी बनाओ ताकि मजा आए आपको पढ़ने में। ऐसे अपना जो पहला चैप्टर, जो मैंने बेसिक वाला चैप्टर था, उसको भी कितना साफ सुथरा लिखा हमने, ठीक है। पर फिलहाल
देखिए, तो मैंने बताया आपको हम पढ़ रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप फॉर टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले हम स्टेटस चेक करेंगे और फिर उसके बाद में कौन सी इनकम किसके हाथ में टैक्स वाली वो हम चेक करेंगे। तो पार्ट वन के अंदर यहां बता रखा है कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने वाले हैं। तो पार्ट वन का मतलब यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है बच्चों, ये है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इंडिविजुअल एच एफ का स्टेटस क्या होगा, आर ओ आर, आर एन ओ आर या एन आर होगा या डीम रेजिडेंट होगा। ये क्या होता है डीम रेजिडेंट, आगे जब बढ़ेंगे क्लासेज में तब पता चलेगा हमें। और बाकी इनके अलावा जो भी बच गए उनका स्टेटस क्या है, या तो रेजिडेंट होंगे या वो नॉन रेजिडेंट होंगे। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन शो कर दीजिए। उसके बाद में स्टेटस में मैंने आपको दो कंडीशन बताई है और फिर हमने यहां पर कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आयुषी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम कल की क्लास का जो भी शेड्यूल रहेगा, क्लास होगी नहीं होगी क्योंकि कल सैटरडे भी है, तो हो सकता है क्लास कैंसिल भी हो जाए, हो सकता है क्लास हो जाए, जो सा भी रहेगा आपको पहले ही बता दिया जाएगा, आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा जो भी क्लास का टाइमिंग रहेगा। बच्चों नॉर्मली क्लास रहेगी तो सुबह 8 बजे की क्लास रहती है मेरी, मेरी क्लास सुबह 8 बजे की ही रहेगी सुबह सुबह। ठीक है, तो जैसे भी रहेगा तो आपको पहले मैसेज कर दिया जाएगा। तो आज के लिए अपनी क्लास को मैं यहीं तक रोकता हूँ और हम कल मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बेटा।